लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बूंदी को सौगात। बूंदी के कापरेन पहुंचे स्पीकर ओम बिरला। कापरेन गंडोली सड़क मार्ग की नींव रखी। 32 करोड़ की लागत से होगा सीसी रोड का निर्माण। हमारे बीच पधार चुकी है चित्रलाल जी राणा जिला अध्यक्ष बूंदी और वीरेन सिंह जी हाड़ा प्रधान साहब केशवराय पाटन और माननीय वीके जैन जो कि एक्शन साहब है अधीक्षण अभियंता है, सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में हम चूंकि हमारी परंपरा है अतिथियों का स्वागत की, हम शीघ्रता के साथ चाहेंगे कि हमारे मंचासीन अतिथियों को हम पुष्प हारों से लाद दें। मैं सर्वप्रथम हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के स्वागत अभिनंदन के लिए माननीय वीके जैन जो कि अधीक्षण अभियंता है, मैं उन्हीं से आग्रह करूंगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बूंदी को सौगात, इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बूंदी के कापरेन पहुंचे स्पीकर ओम बिरला। कापरेन गंडोली सड़क मार्ग की नींव रखी है। इस दौरान कई अतिथिगण भी यहां पर मौजूद हैं। 32 करोड़ की लागत से सीसी रोड का निर्माण होगा और निर्माण से पहले ये शुभारम्भ करते हुए नजर आए ओम बिरला। और अब ये बूंदी से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, एक स्टेज पर पहुंचे ओम बिरला, दूसरी पूजा अर्चना हवन के समय की ये तस्वीर है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बूंदी को सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और एक खास बात जो ओम बिरला को सबसे अलग करती है वो यही कि चाहे वो लोकसभा स्पीकर हों लेकिन उनकी आत्मीयता और वो अपने लोकसभा क्षेत्र से इतना जुड़े हुए हैं कि जब भी उनको समय मिलता है वहाँ के लिए कार्य करते हैं, वहाँ के लोगों को सुनते हैं। और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर जब बूंदी पहुँचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यहाँ पर वो ये सौगात बूंदी को देते हुए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं बूंदी और बूंदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर हैं, एक तस्वीर जब यहाँ पर अतिथिगण भी पहुंचे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और एक तस्वीर दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं जहां हवन पूजा का दौर चला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाखेरी रेलवे स्टेशन पर दयोदय एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लाखेरी रेलवे स्टेशन कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड प्रणाली का लोकार्पण किया। लाखेरी इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी कापरेन घाट का बरारा स्टेशनों पर 4 करोड़ की लागत से यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। लाखेरी इसके अलावा घाट का बराना स्टेशनों पर 4 करोड़ की लागत से यात्री सुविधाओं के कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लाखेरी स्टेशन पर दयोदय एक्सप्रेस के ठहराव की मांग लंबे समय से की जा रही थी जिसको लेकर आज हरी झंडी दिखाई। इससे यात्रियों को प्रदेश और देश के प्रमुख स्थानों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। लाखेरी स्टेशन केशवराय पाटन घाट का बराना कापरेन सुमेरगंज मंडी सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लिए 4 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है। जो भी यात्री सुविधाओं की आवश्यकता होगी छोटे छोटे स्टेशनों पर भी वह सुविधा लोगों को मिले, उनके लिए प्रतीक्षालय हो, बैठने की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, ताकि यात्री जब इंतज़ार करते हैं तो उनको एक स्टेशन पर सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज लाखेरी के अंदर ये शिलान्यास हुआ है, कुछ ट्रेनों का भी स्टॉपेज हुआ है। हम चाहते हैं कि नज़दीक से नज़दीक गांव के लोगों को नज़दीक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मिल जाए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना।